हेलो हेलो नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु और आप सुन रहे हैं ऑडियो नोट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मैं ट्राई करूंगा इस चैप्टर को 15 टू 20 मिनट में पूरा कंप्लीट करने का। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू द WHO जेनेवा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेल बींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल, सोशल। रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी क्या होता है? फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियरल इंट्रैक्शन जो सोसाइटी में होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। इंडिया वॉज एमोंगेस्ट फर्स्ट कंट्री टू इनिशिएट एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम एट नेशनल लेवल नोन एज फैमिली प्लानिंग, इनिशिएटेड इन 1951। पॉपुलर नेम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH प्रोग्राम। अवेयरनेस किया गया था इसका ऑडियो, विजुअल एंड प्रिंट मीडिया के द्वारा। गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज टेक वेरियस स्टेप, मेजर रोल बाय पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव, टीचर्स एंड फ्रेंड। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड बी इनकरेज्ड। प्रॉपर इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज STD एंड एड्स। स्ट्रेटेजीज बनाई गई थी स्पेशली फॉर फर्टाइल कपल एंड मैरिजेबल एज ग्रुप के लोगों के लिए। वो स्ट्रेटेजीज थी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू पॉपुलेशन, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, पोस्टल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड, इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, सोशल इवेंट लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोग को तीन बेसिक चीज़ों की ज़रूरत थी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, मटेरियल सपोर्ट। अगर ये होगा तो हम लोग डील कर पाएंगे वेरियस प्रॉब्लम लाइक STD, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, एबॉर्शन, मेंस्ट्रुअल और इनफर्टिलिटी जैसे समस्याओं से। स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमिनो सिंथेसिस फॉर सेक्स डिटरमिनेशन टू लीगल चेक। ये होता क्या है? अ प्रोसीजर परफॉर्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू ऑब्टेन एमिनोटिक फ्लूइड टू टेस्ट फॉर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी एंड फीटल इन्फेक्शन। दिस इज यूज टू टेस्ट प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर सच एज डाउन सिंड्रोम, हीमोपीलिया, सिकल सेल एनीमिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉपी एटसेट्रा। इसका मिसयूज होने लगा टू किल नॉर्मल फीमेल फीटस। अब हम लोग बात करेंगे एक ड्रग के बारे में जिसका नाम है सहेली। न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल वॉज डेवलप बाई द साइंटिस्ट ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI इन लखनऊ। जो सहेली पिल्स था यूज वंस अ वीक। सहेली कॉन्टेन नॉन स्टेरॉयडल ड्रग नोन एज सेंट्रोमन, रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉड्यूलेशन ऑफ इस्ट्रोजन रिसेप्टर। इंडोमेट्रियम के ऊपर इस्ट्रोजन रिसेप्टर लगा होता है, जब इस्ट्रोजन आके उसे बाइंड करता है तो वो थिक कर देता है इंडोमेट्रियम के लेयर को। जो सेंट्रोमन है वो इनहिबिट कर देता है बाइंडिंग को इस्ट्रोजन का, स्टॉप कर देता है थिकनिंग को और प्रिवेंट करता है इम्प्लांटेशन को। ये था पूरा फंक्शन सहेली ड्रग के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे इंडिकेटर ऑफ इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकल असिस्टेंस डिलीवरी, बेटर पोस्टनेटल केयर लीडिंग टू डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इंक्रीज नंबर ऑफ कपल विथ स्मॉल फैमिली, बेटर डिटेक्शन एंड क्यूर ऑफ STDs, ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटी फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज प्रेजेंट इन अ गिवन एरिया एट पर्टिकुलर टाइम। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 11 जुलाई को। डेमोग्राफी क्या होता है? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। यूनिट ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है? इंडिविजुअल। ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन को हम लोग बोलते हैं सेंसिस। अंडरटेक एवरी 10 ईयर इन इंडिया। फर्स्ट सेंसिस हुआ था 1872 में और NCERT के अकॉर्डिंग लास्ट सेंसिस हुआ था 2011 में। अपडेटेड जो डेटा है वो है लास्ट सेंसिस हुआ था 2022 में। टोटल पॉपुलेशन इंडिया का है 1.38 बिलियन। ये डेटा है अप्रैल 2021 का। अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड पॉपुलेशन की, इन 1900 जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो था 2 बिलियन। इन 1900 वर्ल्ड पॉपुलेशन था 2 बिलियन। इन 2000 अचानक से वर्ल्ड पॉपुलेशन बढ़ के हो गया 6 बिलियन, 2 बिलियन से सीधा 6 बिलियन। इन 2011 वर्ल्ड पॉपुलेशन था 7.2 बिलियन। अगर हम लोग बात करें इंडिया के पॉपुलेशन की, तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे 350 मिलियन पॉपुलेशन था इंडिया का। मैं फिर से रिपीट करूंगा,
350 मिलियन। इन 2000 वो अचानक से बढ़ के 1 बिलियन हो गया और इन 2011 वो बढ़ के 1.1 बिलियन हो गया। अगर वर्ल्ड इज़ टू इंडिया के रेशियो की बात करूँ तो वो है 6:1 अकॉर्डिंग टू 2001। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एवरी 6 पर्सन इन द वर्ल्ड इज़ एन इंडियन। अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसिस 1.7% पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है और अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसिस 2% पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है। रीज़न क्या है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का? रैपिडली डिक्लाइन इन डेथ रेट, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिंग एज, इसकी वजह से रैपिडली पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हुआ। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिपेंड अपॉन बर्थ रेट, जिसको हम लोग फर्टिलिटी रेट भी बोलते हैं, डेथ रेट, जिसको हम लोग मॉर्टेलिटी रेट भी बोलते हैं, माइग्रेशन, एज एंड सेक्स रेशियो। बर्थ रेट का डेफिनेशन थोड़ा बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। बर्थ रेट का डेफिनेशन है नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 इन अ ईयर। डेथ रेट क्या है? नंबर ऑफ डेथ इन पर 1000 इन अ ईयर। एज एंड सेक्स रेशियो की बात करें, प्री रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन और पोस्ट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन वाला जो एज है वो है 15 से 44 ईयर। नंबर ऑफ फीमेल इंडिविजुअल इन एक्टिव रिप्रोडक्टिव एज 15 से 44 ईयर इन्फ्लुएंस द बर्थ रेट। अगर बर्थ रेट ज़्यादा हो जाएगा डेथ रेट से तो वो है पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर बर्थ रेट जो है कम रहेगा डेथ रेट से वो है निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, क्या स्टेप लिया गया? मोटिवेट ए स्मॉलर फैमिली, अडॉप्ट वन चाइल्ड फोरम, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और गवर्नमेंट ने एक स्लोगन दिया, हम दो हमारे दो। प्रॉपर्टी क्या है आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव की? नो इंटरफेरेंस विद सेक्सुअल डिज़ायर या फिर सेक्सुअल ड्राइव, यूजर फ्रेंडली, ईजिली अवेलेबल, इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल विथ नो और लीस्ट साइड इफेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टेम्प्रोरी मेथड की। टेम्प्रोरी मेथड में आता है नेचुरल मेथड, जो कि डील करता है विथ प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। इसमें पहला है कैलेंडर मेथड, दूसरा है विड्रॉवल मेथड, तीसरा है लैक्टेशन एमनोडिया। अब हम लोग बात करेंगे बैरियर मेथड की। बैरियर मेथड में आप सभी को पता है कॉन्डम और फेम कॉन्डम आता है, जो कि प्रिवेंट करता है एसटीडी और एड्स को। सर्विकल कैप जो कि रीयूजेबल होता है, डायफ्राम जो कि रीयूजेबल होता है। केमिकल मेथड भी अवेलेबल है, जैसे कि क्रीम, जेलीज, फोम, वेजिनल टैबलेट्स। दिस कॉन्टेन केमिकल लाइक सिट्रिक एसिड्स, जिंक सल्फेट एटसेट्रा। इट किल स्पर्म बाय डिस्टर्बिंग द मेम्ब्रेन। हम लोग बात करते हैं लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म और लाइफ स्पैन ऑफ ओवम की। लाइफ ऑफ स्पर्म होता है 3 डे आफ्टर एजुकेलेशन और लाइफ ऑफ ओवा होता है 1 डे। सेफ पीरियड जो है वो बिफोर 10th डे है और आफ्टर 17th डे है। रिदम मैटर के बारे में हम लोग बात करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है मेनली 28 ± 2 डेज का होता है। ओवल्यूशन 14 डेज का होता है। ओवल्यूशन 12th डे भी हो सकता है और ओवल्यूशन 16th डे भी होता है। अगर इस टाइम पे स्पर्म अगर इंटर किया तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो हो जाएगा, लेकिन इसके पहले मतलब 10th डे के पहले और 17th डे के बाद अगर स्पर्म इंटर भी कर जा रहा है तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो इस प्रिंसिपल पे काम करता है रिदम मेथड। लैक्टेशन एमनोरिया के बात करें हम लोग, तो ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल हो जाता है। कैसे होता है? PRL एक हार्मोन है, लैक्टोजेनिक हार्मोन, जो कि रिलीज होता है लैक्टेशन पीरियड के दौरान। NCERT में डेटा दिया है 6 मंथ का होता है लैक्टेशन पीरियड। PRL क्या करता है? रोक देता है GnRH को, और GnRH रुकेगा तो आप सभी को पता है LH और FSH भी रुकेगा, और अगर LH और FSH रुक गया मतलब मेंस्ट्रुअल रुक गया। अब हम लोग बात करेंगे इंट्रा यूटराइन डिवाइस IUDs। IUDs इज इंसर्टेड बाई एक्सपर्ट डॉक्टर इन द यूटरस। IUDs आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड इन इंडिया। IUD इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। कॉपर आयरन इंक्रीज सप्रेस स्पर्म मोर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। IUDs मेनली 3 टाइप के होते हैं। नॉन मेडिकल IUDs, जैसे हो गया लूप्स, जो कि एक लूप होता है। कॉपर रिलीजिंग IUDs, जैसे कि CUT, CU7, मल्टीलोड 375, या फिर हार्मोन रिलीजिंग IUDs, जो कि कॉन्टेन करता है प्रोजेस्ट्रॉन, एग्जाम्पल LNG20।
अगर हम लोग बात करें कॉपर इलिजिंग की, कॉमनली नोन एज कॉपर टी कॉन्टेनिंग आयोनाइज कॉपर विच डिफ्यूज स्लोली एट द रेट ऑफ 50 UG पर डे, इट हैज़ अ लोकल एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट, ब्रिंग अबाउट रिलीज ऑफ टॉक्सिक साइटोकाइनेस, सप्रेस कर देता है ये स्पर्म मोटिलिटी को और एबिलिटी टू फर्टाइल द ओवम। हॉर्मोन रिलीजिंग आयोडीज मेक यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, एनोवल्यूशन, चेंज इन सर्विकल म्यूकस, इनसफिशियंट ल्यूटियल एक्टिविटी। इसमें क्या होता है, प्रोजेस्ट्रॉन होता है, इसका एग्जाम्पल है प्रोजेस्ट्रेसर्ट। एग्जाम्पल एक और इसका LNG-20। अब हम लोग बात करेंगे हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज जो है वो क्या करता है, थिकनिंग कर देता है सर्विकल म्यूकस का, इनहिबिट कर देता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, और जैसे ही वो प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करता है तो क्या होता है, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल हाई हो जाता है ब्लड में, जिसकी वजह से इनहिबिट मोटिलिटी एंड सिक्रेटरी एबिलिटी ऑफ फैलोपियन ट्यूब, इनहिबिट कर देता है GnRH को। और आप लोगों को पता है कि अगर GnRH इनहिबिट हुआ मतलब LHFSH इनहिबिट हुआ, LH इनहिबिट हो जाएगा तो सप्रेस कर देगा ल्यूटल एक्टिविटी ओवल्यूशन, और FSH अगर इनहिबिट हुआ तो डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल नहीं हो पाएगा। अगर हम लोग बात करें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की, तो वो कंट्रोल करता है प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्टोजेन इस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। देयर सिंथेटिक प्रोडक्ट मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोजेस्टीन इज लीवोनॉर्जेस्ट्रल। क्लियर है, दिस पिल्स आर टेक ओरली फॉर 21 डे इन अ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम 5th डे एंड एंडिंग ऑन 25th डे। हाउएवर इट इज एडवाइजेबल टू रिस्टार्ट द कोर्स आफ्टर अ गैप ऑफ 7th डे। हार्मोन पिल एक्ट बाई 4 वे, इनहिबिट द ओवल्यूशन, अल्टरनेशन इन यूट्राइन इंडोमेट्रियम टू मेक इट अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, इनहिबिट मोटिलिटी एंड सेक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ फेलोपियन ट्यूब, चेंज इन सर्विकल म्यूकस इम्पेयरिंग। इंजेक्टेबल फॉर्म में आता है डीपो प्रोवेरा। प्रोजेस्ट्रॉन एलॉन और इन कॉम्बिनेशन विथ एस्ट्रोजन कैन ऑल्सो बी यूज बाई फीमेल एज इंजेक्शन। दे आर डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसिटेट, इफेक्टिव फॉर 3 मंथ। इसको इम्प्लांट भी किया जा सकता है। दे आर प्रोजेस्ट्रॉन कॉन्टेन हॉर्मोन, इम्प्लांट फॉर लॉन्ग टर्म 3 to 5 ईयर। नॉट प्लांट इज अ प्रोजेस्टीन ओनली कॉन्टेनिंग डिवाइस, हैज अ 6 स्मॉल सिलिकन कैप्सूल कॉन्टेनिंग लिवोनॉर्जेस्ट्रल एंड दीज आर इंसर्टेड अंडर स्किन ऑफ लेफ्ट आर्म। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की अगर हम लोग बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन इस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आयोडीज विद इन 72 आवर ऑफ क्वाइटस हैज़ बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, एज दे कुड अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। RU486 एंटी प्रोजेस्ट्रॉन इज अ सिंगल पिल ट्रीटमेंट, इट हैज़ वेरी हाई एफिनिटी फॉर प्रोजेस्ट्रॉन रिसेप्टर। साइड इफेक्ट क्या होता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का, साइड इफेक्ट है इसका एब्डोमिनल पेन, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, नोसिया। अगर हम लोग बात करें परमानेंट मेथड की, तो उसमें बस दो ही आता है, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी क्या है, परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फॉर मेल, हाईली इफेक्टिव, रिवर्सिबिलिटी पुअर, बहुत वास्ट डिफरेंस आर कट, एंड उसको फिर क्या किया जाता है, उसको टाई कर दिया जाता है। इट इज़ माइनर सर्जिकल प्रोसीजर एंड डन फ्री ऑफ कॉस्ट एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल। स्पर्म प्रोडक्शन कंटिन्यू बट इजुकुलेटेड सीमन इज विदाउट स्पर्म, इट इज़ नॉट इफेक्टिव इमिडिएटली। अगर हम लोग बात करें ट्यूबेक्टोमी की, परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फॉर फीमेल, स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन और थ्रू वेजीना, इट इज़ इफेक्टिव इमिडिएटली। मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू आफ्टर ट्यूबेक्टोमी, द रिलीज ओसाइट इज डिस्ट्रॉयड बाई फेगोसाइट्स। MTP क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। MTP इंटेंशनली और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। नियरली 45 to 50 million MTP आर परफॉर्म्ड इन ईयर इन अ वर्ल्ड, विच अकाउंट टू 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव प्रेगनेंसी इन अ ईयर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज MTP इन 1971 विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड इट्स मिसयूज।
MTPR consider relatively safe during the first trimester, that is up to 12 weeks of pregnancy. Second trimester abortion are much more riskier. MTP Amendment Act 2017. According to this act, pregnancy may be terminated within first 12 weeks of pregnancy on the opinion of one registered medical practitioner. If the pregnancy has lasted more than 12 weeks but fewer than 24 weeks, two registered medical practitioners must be needed. STD, sexual transmitted disease, या STI, sexual transmitted infection, या PID, pelvic inflammatory disease. Infection which are transferred through sexual intercourse are known as STDs. It is very high among person of age group 15 to 24 year. Early symptom itching, fluid discharge, slight pain, inflammation. Complication kya hai iska? Abortion, ectopic pregnancy, infertility, cancer of reproductive tract or stillbirth. How to free from these infections? Avoid sex with unknown ya fir multiple partner. Always try to use condom during coitus. In case of doubt, one should go to qualified doctor for early detection and get complete treatment if diagnosed with infection. अब हम लोग बात करेंगे कुछ STDs के डिजीज के बारे में. बैक्टीरियल डिजीज में सबसे पहला है क्लैमिडियासिस, जो कि फॉर्म होता है क्लैमिडिया ट्रैकोमेटिस से. सेकंड है गोनोरिया, जो कि फॉर्म होता है नाइजीरिया गोनोरिया से. थर्ड है सिफिलिस, जो कि फॉर्म होता है ट्रिपोनीमा पैलिडियम से. चौथा है कैंक्रोइड, जो कि फॉर्म होता है हीमोफिलस ड्यूकेरिया से. अगर हम लोग वायरस इन्फेक्टेड डिजीज की बात करें तो जेनाइटल हर्पिस, टाइप सेकंड हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस HSV2, जेनाइटल वर्ट्स ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV, हेपेटाइटिस बी इज फॉर्म बाय HBV, एड्स ह्यूमन इम्यूनोडिफिशेंसी वायरस HIV. प्रोटोजोआ का अगर हम लोग बात करें, प्रोटोजोआ से होता है ट्राइकोमोनियसिस, ट्राइकोमोनस वेजिनेलिस. एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्प्स एंड HIV इन्फेक्शन, अदर डिजीज आर कम्प्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्लियर एंड ट्रीटेड प्रॉपरली. ऑल क्लियर. इनफर्टिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रेन इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल कोहिबिशन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी. अ लार्ज नंबर ऑफ कपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूड इंडिया आर इनफर्टाइल. एजियोस्पर्मिया क्या होता है? एबसेंस ऑफ स्पर्म. ओलिगोजोस्पर्मिया क्या होता है? लो काउंट ऑफ स्पर्म. टेरेटोजोस्पर्मिया क्या होता है? एबनॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. एस्थिनोजोस्पर्मिया क्या होता है? लो मोर्टिलिटी ऑफ स्पर्म. असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ART. However, where such correction are not possible, the couple could be assisted to have children through certain special technique commonly known as assisted reproductive technology ART. अब हम लोग बात करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में. तो टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है कि ओवा को ले लिया जाता है और स्पर्म को ले लिया जाता है आफ्टर प्रोसेस, और उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर ही फर्टिलाइज कर दिया जाता है, राइट? उसके बाद क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और 8 सेल मोरूला का फॉर्मेशन होगा. अगर इस टाइम ट्रांसफर कर दिया जाएगा फेलोपियन ट्यूब में तो उसको हम लोग बोलेंगे जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, ZIFT, ZIFT. अगर 16 सेल मोरूला हो जाएगा और हम लोग तब ट्रांसफर करेंगे तो हम लोग उसको ट्रांसफर करते हैं यूटेरस में, और अगर 8 सेल होगा तो हम लोग ट्रांसफर करेंगे फेलोपियन ट्यूब में. ऑल क्लियर. अगर हम लोग बात करें आर्ट की, मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, तो उसमें मेनली 2 आता है, इन वीवो फर्टिलाइजेशन और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को ही हम लोग IVF कहते हैं. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी, एम्ब्रियोनिक ट्रांसफर होता है इसमें. इसका 2 पार्ट होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी और या फिर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. टेस्ट ट्यूब बेबी में अभी हम लोग बता दिए कि ZIFT आता है और एक IUT आता है, मतलब ट्रांसफर इन यूटेरस
या फिर ट्रांसफरिन फैलोपियन ट्यूब। और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन क्या होता है कि ओवा के अंदर एक इंजेक्शन से स्पर्म को डाल दिया जाता है। ऑल क्लियर। इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इनसाइड बॉडी गैमेट्स ट्रांसफर के जरिए। इन विवो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इनसाइड बॉडी मैंने बताया, गैमेट्स ट्रांसफर मेल गैमेट्स ट्रांसफर में AI या फिर IUT। AI में क्या होता है कि वेजीना के अंदर ले आके मेल गैमेट्स का ट्रांसफर कर दिया जाता है। और IUT में ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स इन यूटेरस। फीमेल गैमेट्स ट्रांसफर में आता है GIFT, गैमेट्स इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ फीमेल गैमेट्स ओवा इन फेलोपियन ट्यूब। यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। मुझे पता है कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, क्योंकि ये वन शॉट रिकॉर्डिंग भी था मेरे लिए, और मेरे लिए वन शॉट रिकॉर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। कुछ स्पेलिंग्स मैंने प्रोनाउंसिएशन में गलती की होगी, कुछ जगह पे मैंने बोलने में गलती की होगी, तो आई होप कि आप मुझे माफ़ करेंगे इस चीज़ के लिए। और ये ऑडियो नोट्स सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये ऑडियो नोट्स पूरा सुना। थैंक यू सो मच।